चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। नबील अरे यार ऐसा चलो यार, मेरा सांस फूल रहा है। अरे महमूद साहब, सांस के साथ साथ आपका मुंह और पेट भी फूल रहा है। बूढ़े हो गए आप महमूद साहब। यार नबील, क्या मैं वाकई शक्ल से बूढ़ा लगता हूँ? बूढ़े, शदीद बूढ़े यार। हालांकि मेरी उम्र तो इतनी नहीं है। और बस कर दे महमूद साहब, आपके जमाने के तो जानवर भी अब नजर नहीं आते, बल्कि इंजन भी बंद हो गए हैं। अरे अब ऐसा भी नहीं है नबील। अरे महमूद साहब ऐसा ही है, आप अपना ख्याल नहीं रखते। मुझे देखे अभी भी कितना फिट हूँ, कॉलेज का लौंडा लगता हूँ ना। हाँ, कॉलेज का वो लौंडा जो 15 साल से एक ही क्लास में फेल होता रहा है। अरे तुम कौन सा जवान लगते हो? अरे ये आपकी सोच है महमूद साहब, आप किसी चलते फिरते से पूछ सकते हैं कि मैं कितना जवान लगता हूँ। अंकल टाइम क्या हो रहा है? चले भाई टाइम पूछ रहे हैं। अरे मैंने तो हाथ में घड़ी नहीं पहनी हुई। अंकल मैं आपसे टाइम पूछ रहा हूँ। अंकल नबील, ओए पागल हो गया, अंधा हो गया, तुझसे 6-7 साल छोटा ही लगता हूँ मैं। क्या मजाक करे अंकल, टाइम तो बताए ना। दफा हो जा, अपनी शक्ल घूम कर चल। दफा लगता है सड़िया गया बुड्ढा। चल चल दफा यहाँ से, बुड्ढा होगा तेरा बाप, तेरा भाई, बल्कि छोटा भाई तेरा। नबील वो तुम क्या कह रहे थे? वो कुछ नहीं कह रहा था यार महमूद साहब, चले घर, मेरी तबीयत खराब हो रही है। चलो चलो अब तो होनी है, आओ चले। जी नबील और महमूद साहब कहाँ चले गए हैं? कौन नबील और महमूद? हमारे शौहर माजी। हमारे दो दो शौहर हैं? माजी हम दोनों का एक एक शौहर है। तो तू दो दो के नाम क्यों पूछ रही है? इसलिए कि उनमें से एक आपका शौहर भी तो है। किन में से? नबील और महमूद में से यार। और तो मेरा शौहर कौन सा है? महमूद साहब। और मेरा? अरे महमूद साहब आप ही के तो शौहर है माजी। तो फिर तेरा शौहर कौन सा है? मेरा शौहर नबील है। कौन नबील? आपका बेटा माजी। मेरा बेटा तेरा शौहर है? जी। और मेरा शौहर फिर किसका बेटा? माँ जी खुदा का वास्ता यार, क्या हुआ है? कुछ नहीं, थैंक गॉड नबील तुम लोग आ गए हो, वरना माँ जी ने तो मेरा खून ही पी जाना था आज। खून तो तू पी रही है मेरे पुत्र का, देख इतनी सी उम्र में कितना बूढ़ा लगना शुरू हो गया है। माँ जी आप भी। ना ऐसा क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं मोमो, बुढ़ापे में से ठिया गया है बेचारा। शक्कर बना दिए मोरा पिया मुझे मिलन आयो, शक्कर बना दिए मोरा पिया मुझे मिलन। क्या आप बूढ़े हो चुके हैं? क्या लड़के आपको अंकल अंकल कहने लगे हैं? या लड़कियां आपको लाइन कराना छोड़ चुकी हैं? कब की? तो आप उदास मत हो, हम लाए हैं आपके बुढ़ापे का तोड़, जो आपकी जिंदगी को देगा एक नया मोड़, जो आपको देगा खुशियों से जोड़। हे जी हाँ, काजमी सुरमा बनाने वाले लाए हैं आपके लिए शरबते जवान। शरबते जवान? हाँ जवान, शरबते जवान, जो आपकी जिंदगी में भर दे नए रंग, सिर्फ 2000 रुपए में शरबते जवान। तो सोच क्या रहे हैं, अभी कॉल कीजिए और अपना ऑर्डर बुक करवाएं। हमारा नंबर नोट कीजिए। एक मिनट दोस्त, अब बताएं। हमारा नंबर है 111-000-000, जल्दी कीजिए कहीं देर ना हो जाए। बस अभी बुलाता हूँ, नंबर वैसे बड़ा अजीब सा है। यार ये नबील कहाँ रह गया है? कुछ नहीं रह गया पुत्र, मैंने सब कुछ लगा दिया है घर। अरे वो नबील की बात कर रही है। कौन नबील? अरे तुम्हारा बेटा मोमो। तो मेरे बेटे का नाम मोमो है? है। तो फिर ये नबील है कौन? चलो देखो मैं क्या लाया। नबील तुम कहाँ रह गए थे? जड़ मैं ये लेने गया था ना। अच्छा किया पुत्र तू कोल्ड ड्रिंक ले आया, आज मैंने बहुत सारा खाना खाना है। आज भी? ओ माँ जी ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये शरबत है, शरबते जवान। What? शरबते जवान? हाँ महमूद साहब, आदमी से पीकर जवान हो जाता है। जवान अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ पुत्र औरत नहीं होती क्या? ओ माँ जी सभी जवान हो जाते हैं, बड़ा ताकतवर नुस्खा है ये, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान सब यही पीते हैं। नबील तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया? मैंने आज ही इश्तिहार देखा है इसका टीवी पर, उन्होंने गारंटी दी है कि अगर रिजल्ट आए तो पैसे वापस। ओह गॉड। नबील मैं भी पीऊंगा भाई, मुझे भी दो। हाँ मुझे भी, मुझे भी। ओ माँ जी आप लोग बेफिक्र रहे, मैं 3 बोतलें लेके आया हूँ। 3? 3? अरे 3 क्यों, खूबसूरत भी तो है। सॉरी नबील को पता है कि मुझे ये उल्टी सीधी चीजें पीने का कोई शौक नहीं है,
और मैं अभी भी जवान हूँ। जवान तो मैं भी हूँ, मगर मुझे अब नौजवान होना है। मुझे तुम्हें अब होना है वो नौजवान है। हाँ जी। अच्छा जी, ये ले मामू साहब, ये ले माजी, ये ले। खाने से पहले दो दो चम्मच पीने हैं। अरे नहीं भाई, मैं तो पूरी बोतल पीऊंगा ताकि मैं ज्यादा जवान हो जाऊं। हाँ, मैं भी। चलो फिर मैं भी पूरी बोतल ही पी लेता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे मजे की थी यार, अब खाना खाते हैं मानव साहब। तो मैं जवान हुई? ओ माँ जी, ये शरबत है, जादू नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जवान होंगी ना आप। आहिस्ता थोड़ी थोड़ी जवानी फील हो रही है। बस कर दे बाबू साहब, लाए बाबू साहब। तुम्हारी शक्ल बेहतर लग रही है। जानू, तुम्हारे कहने का मतलब है उस शरबते जवान का कोई कमाल नहीं है। बिल्कुल नहीं। वैसे तुम्हें ऐसी उल्टी सीधी चीजें पीनी नहीं चाहिए, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो। वैसे जानू, मेरे पेट में ना अजीब सा दर्द तो शुरू हो गया है। नबील, मैं अपना फोन बंद करके सो रही हूँ। अगर रात को तुम्हारी तबीयत खराब हुई ना तो मुझे तंग ना करना, खुद फोन करना डॉक्टर को। कैसी बीवी हो तुम जानू, तुम्हें अपने शौहर से ज्यादा नींद प्यारी है। शट अप नबील। तकरीबन हो गया जानू। मुझे भूख लगी हुई है। क्या? मुझे फीडर से मुझे भूख लगी हुई है। ये क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ या उस शरबत ने वाकई असर दिखा दिया? मुझे झूठो दे ना, मुझे फीडर लागे दे ना, मुझे नहीं पता आंटी। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब। अरे जी मैं डॉक्टर, आप कौन? खूबसूरत बोल रही हूँ। हाँ भाई, मैं थोड़ा खूबसूरत भी हूँ। अरे मैं खूबसूरत बोल रही हूँ। भाई मैं थोड़ा खूबसूरत हूँ, जब तो आप मुझे खूबसूरत बोल रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं नबील की बीवी खूबसूरत बोल रही हूँ यार। ओ अच्छा अच्छा, हाँ भाई बोले बोले। डॉक्टर साहब, नबील महमूद साहब और माजी छोटे हो गए। क्या? हाँ जी। अरे उनको बोले पार्क में जाके मंकी बाल पलट के लंबे हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, वो लोग कद में छोटे नहीं हुए, वो बच्चे बन गए। किसके बच्चे बन गए? इंसान के और किसके। तो क्या वो पहले इंसान के बच्चे नहीं थे? जी चले अच्छा है भाई, इंसान के बच्चे बन गए, अब कोई ढंग का काम करेंगे ना। ओ गॉड, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप ऐसा करें फौरन घर आ जाएं। अरे मैं वहाँ के क्या करूँगा? आप आकर उनका इलाज करें यार। क्या हुआ उन्हें? बता तो रही हूँ, बच्चे बन गए हैं। अरे आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं असल में बच्चों का ही डॉक्टर हूँ। लेकिन आपने तो एक दफा बताया था कि आप जानवरों के डॉक्टर थे। हाँ भाई, तो जानवर भी तो किसी के बच्चे होते हैं ना।
अच्छा आप परेशान ना हो, बस मैं आ गया। कौन है? अरे भाई मैं डॉक्टर 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 शायद सिस्टम तू जल्दी खोल दरवाजा खोलो। बच गया भाई, बच गया, बच गया। क्या हो गया डॉक्टर साहब? अरे भाई मेरे पीछे कुत्ता लग गया था ना। के पीछे कुत्ता क्यों लग गया? वो असल में गली से आ रहा था ना, तो एक लड़के को पागल कुत्ते ने काट लिया। फिर क्या होना था भाई, मैंने उसके पेट में इंजेक्शन लगा दिया और कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। कुत्ता आपके पीछे क्यों पड़ गया? अरे भाई मैंने गलती से कुत्ते के पेट में इंजेक्शन लगा दिया ना। क्या? हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अंदर है, आइए। अच्छा चलो। हेलो, आपके पुतलो बाने पर से जवाब वसूल नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब क्या कर दिया इन्होंने, घर को क्या हालत बना दी। अरे भाई तो मैं क्या करूं, आपने क्या मुझे घर की सफाई के लिए बुलाया है? जी बच्चे कहाँ हैं? अरे भाई जल्दी से बच्चों को बुलाए ना। डॉक्टर साहब आप अंधे हैं क्या? अरे नहीं भाई नहीं, इसके बगैर भी मुझे साफ नजर आता है। ये तो मैंने बताया थी स्टाइल मारने के लिए लगाया हुआ। इसके बगैर ये देखे मैं उतार के दिखा दू, चेक करा दो। ये देखे, अच्छा ये बताइए कितने? डॉक्टर साहब मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। अरे तो बताइए ना ये कितने? ओ यार आप इन लोगों का इलाज करने आए हैं या मेरा? अरे भाई मैं तो बच्चों के इलाज के लिए आया हूँ। कहाँ हैं बच्चे? यही बच्चे हैं। क्या? जी डॉक्टर साहब इन लोगों ने कुछ शरबत जवान ज्यादा पी लिया है, इसीलिए ये हाल हो गया। क्या? डॉक्टर भागे, डॉक्टर भागे। डॉक्टर अंकल आ गए, डॉक्टर अंकल आ मेरी जूजू लेके आए। मेरी माँ जी को लेकर आए कि नहीं? तुम्हारी माँ जी ना मर गई है, डॉक्टर अंकल आए ना हमारे साथ खेले। एक मिनट एक मिनट। अरे भाई ये तो बहुत ही अजीब सिचुएशन है। अजीब तो होनी थी, अली इमरान की कंटेंट टीम ने बनाई है। अच्छा आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। डॉक्टर अंकल वो जो आप करेंगे वो कुछ होगा। हैंडी क्या मशीन है, क्या मशीन? हेलो अस्सलाम वालेकुम, यहाँ वाले बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके पुतलों पर मैसेज जवाब वसूल नहीं हो रहा। प्लीज अंकल इसके सर पे डंडा मारो जोर का। हमारे लिए खिलौने नहीं लेकर आए? अरे भाई सबको सब कुछ मिलेगा, पहले आप लोग तमीज से बैठ जाओ। सारा तमीज से बैठ जाओ। साहब ये सब क्या है? ये मेरा सामान है भाई। डॉक्टर साहब मैंने आपको इन लोगों के इलाज के लिए बुलवाया है, इनके साथ खेलने के लिए नहीं। भाई देखे डॉक्टर मैं हूँ, मुझे ज्यादा पता ही आपको। वो तो आप बच्चों वाला सामान क्यों उठा कर ले आए हैं? अरे भाई बच्चों को ट्रीट करने के लिए बच्चा बनना पड़ता है, मैं इनके साथ खेल खेल कर इनका इलाज करूंगा, बस आप देखती जाए। चलो भाई महमूद सबसे पहले आप तुम्हारा चेकअप करते हैं। चलो नहीं नहीं मेला 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 मेरा चेकअप होगा मैं नहीं तुम चुप। अरे भाई फुकाम हो चुकी है, फिकर ना करो। चलो भाई चलो खा लो खा लो, लंबी सांस लो। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। यार बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अरे भाई रुक जा, भाई मैं सिगरेट पीता हूँ फिर भी थक जाता हूँ, रुक जाओ। अब बच के कहाँ जाओगे बच्चू? अम्मी मुझे बता लो, मुझे बता लो। अब तो मैं कोई नहीं बचाएगा। अम्मी 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 अम्मी
चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। चल बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अरे भाई आप घबराएं नहीं, घबराएं मैं हूँ, मैं डॉक्टर साथ सकता हूँ। डॉक्टर साहब आप तो इनको ठीक करने आए थे, इन्होंने तो आपकी हालत बिगाड़ दी है। अरे भाई आप बिल्कुल बिल्कुल फिक्र ना करें, अब मैं कमरा बंद करके मरीजों का इलाज करूंगा, बिल्कुल किसी को भागने भी नहीं दूंगा। और हाँ, जब तक मैं आपको ना कहूँ ना, आपने भी अंदर नहीं आना, ठीक है? ओके ओके, बस ठीक है। अब देखिए मेरा कमाल, जी पापा आप बड़ी देर से डॉक्टर साहब अंदर है, आप बस दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ मैं खुद जाकर देखती हूँ। ओके डॉक्टर साहब, जानू मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं पापा जी पर बोझ नहीं बनूंगा, उनका बेटा बनके दिखाऊंगा, नौकरी करूंगा। ये सब तुम कह रहे हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जानू आपस की बात है, मुझे भी ये बोलते हुए बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। तुमने अगर नौकरी का इश्तेहार देखना ना, तो सिर्फ अपने लिए देखना, मेरे लिए नहीं। ओ यार मैंने अखबार नौकरी ढूंढने के लिए थोड़ा लगाया है, बड़े मजे मजे के इश्तेहार आते हैं, शायद कुत्तू कहीं लग जाए और मेरी किसी अरबपति बाप की अंधी लूली लगड़ी बेटी से शादी हो जाए। अरे भाईजान कहाँ थे आप, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? कहीं नहीं ढूंढा, इसका मतलब है बस ढूंढने जा रहे थे। आए बस क्यों ढूंढने जा रहे थे, अब मैं बस समय नहीं घूमता, बहुत अमीर आदमी मैं। इसे गुमशुदा अरबपति आदमी जानू, इसको ढूंढने वाले को 50 लाख रुपया मिलेगा। एक नौकरी तो तुम ढूंढ नहीं सकते हो, इस अरबपति को कैसे ढूंढोगे? भाई को मेरे घर फोन करो, मुझे भूख लगी है, मुझे घर जाना है। तो खाना यही खाइए ना। हाँ बताए क्या खाएंगे आप खाने में? मुझे डॉक्टर ने परेसी खाना बताया। नंबर मिल गया। अरे मुबारक हो, मुबारक हो जानू, हम 50 लाख रुपए से एक कॉल की दूरी पर हैं। ओ तो जल्दी कॉल मिला, कटिया आदमी, मेरे पेट में दर्द हो रही है। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा।